हेलो एवरीवन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ होप्स एंड ड्रीम्स यूनिवर्सल स्कूल सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आर न्यू वीडियोस थैंक यू हेलो बच्चों आज हम करेंगे क्लास सेकंड का चैप्टर फोर शब्द और वाक्य ग्रामर का वर्ड एंड सेंटेंस हर बार की तरह मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि ये वीडियो आप अपने बड़े सिस्टर ब्रदर या पेरेंट्स के साथ बैठ के देखोगे और मोबाइल का यूज़ नहीं करोगे अपनी बुक का पेज नंबर फोर्टीन ओपन करोगे और मैम के साथ साथ पढ़ोगे और जो भी क्वेश्चन मैम बीच में पूछेंगे उनके आंसर आप कमेंट में लिखोगे और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे लाइक करोगे ओके लेट्स स्टार्ट आओ बच्चों अब आपको मैं बताती हूँ शब्द और वाक्य के बारे में वर्णों के मिलने से शब्द और शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है वर्णों के मिलने से क्या बनता है शब्द और शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है पहले हम शब्द निर्माण के बारे में जानेंगे फिर वाक्य के बारे में पढ़ेंगे ओके शब्द और ये पिक्चर क्या बनी हुई है छतरी अब लिखा हुआ है र ई त अ छ प्लस करके रिच कोई मीनिंग निकल रहा है इसका नहीं ना तो ये निर्थक शब्द है इसको हम सही क्रम में लिखेंगे देखो छ अ त अ छतरी छतरी तो मीनिंग है ये हो गया सार्थक शब्द अब ये पिक्चर है कछुआ इसको देखो सही क्रम में लिखा हुआ है कि नहीं आ च, उ, प्लस क प्लस अ आ छुक गलत है ना तो ये क्या है निर्थक इसको सही क्रम में कैसे लिखेंगे क अ छ कछुआ ओके okay. बच्चों उपरोक्त चित्रों में सामने दो दो शब्द लिखे अभी आप मैंने आपको दिखाए है ना निर्थक और सार्थक छतरी के आगे और कछुए के इनमें पहले दिए गए दोनों शब्दे रिच और आछू का कोई अर्थ नहीं निकलता नहीं निकल रहा ना तो ये कौन से शब्द हुए वेरी गुड निर्थक शब्द माने जाएंगे जब इन्हीं शब्दों में हम वर्णों को सही क्रम में रखते हैं तो क्या बनता है छतरी और कछुआ इनका मीनिंग है ना ये शब्द बनते हैं ना तो इन शब्दों का उचित अर्थ निकलता है ये क्या है सार्थक शब्द वेरी गुड वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं ये आपने कमेंट में आंसर लिखना है शब्द किसे कहते हैं ठीक है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं नोटबुक में भी करना है आपको ओके अब आप करेंगे शब्द के भेद अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं दो भेद मैंने आपको समझाया ना कौन कौन से हैं वेरी गुड निर्थक शब्द और सार्थक शब्द अब सार्थक शब्द क्या है कोई आपसे पूछे सार्थक शब्द क्या है आपको ये चैप्टर पढ़ के इतने अच्छे से आना चाहिए कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप एक मिनट में आंसर दे दो अब है सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है वह सार्थक शब्द कहलाते हैं जैसे कमल पतंग साइकिल किसान आदि इन सब का मीनिंग है ना अर्थ है ना तो ये क्या है सार्थक शब्द अब पढ़ेंगे निर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता जिनका अर्थ होता है सार्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता वह निर्थक शब्द कहलाते हैं जैसे लमक लमक क्या है कोई मीनिंग निकल रहा है कमल था ना इसका मीनिंग था तो वो सार्थक था जिनका कोई मीनिंग नहीं है तो वो निर्थक है गतब किल्सा नसाइक आदि कोई मीनिंग नहीं है इनका है ना एग्जाम्पल है इनके अब हमने पढ़ना है शब्द के बारे में हम पढ़ चुके हैं अब हम पढ़ेंगे वाक्य अब ये दो पिक्चर्स हैं इनको ध्यान से देखिए ये बत्तख है और ये लड़की है इसका नाम है माधुरी इसका वाक्य बनाना है हम है पानी में रही तैर बत्तक इनका कोई मीनिंग है नहीं है ना तो ये निर्थक है रही है कर नृत्य माधुरी ये भी निर्थक है अगर हम इसको सही लिखेंगे कि बत्तक पानी में तैर रही है तो ये सही मीनिंग है ना तो यह सार्थक माधुरी नृत्य कर रही है यह है सार्थक अब इन चित्रों के नीचे दिए गए पहले दोनों वाक्यों से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा नहीं हो रहा ना उल्टा लिखा हुआ था है पानी में रही है तैर बतख है ना क्योंकि इन वाक्यों में शब्दों का क्रम सही नहीं है दूसरे दोनों वाक्यों से हो रहा है बत्तख पानी में तैर रही है माधुरी नृत्य कर रही है है ना क्योंकि इन वाक्यों में शब्दों का क्रम सही है नीचे वाले दोनों वाक्यों पर इन वाक्यों में माधुरी और बत्तख के कार्य के बारे में बताया जा रहा है क्योंकि माधुरी नृत्य कर रही है और बत्तख पानी में तैर रही है अतः ये दोनों वाक्य कौन है सार्थक हैं अब शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है वाक्य किसे कहते हैं उसका आंसर भी यही होगा शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है ओके अब हमने क्या सीखा क्या सीखा हमने वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं इसका क्वेश्चन बनेगा शब्द किसे कहते हैं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं शब्द दो प्रकार के होते हैं सार्थक और निर्थक सार्थक शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है निर्थक शब्दों का कोई ना कोई अर्थ नहीं होता है शब्दों का समूह सार्थक समूह क्या कहलाता है वाक्य कहलाता है ये हमने पूरे चैप्टर से सीख है अब हम करेंगे अभ्यास वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द अब ये शब्द लिखे हुए हैं आपने बनाने है। ली मेच कोई मीनिंग है नहीं ना इसको कैसे लिखेंगे च मेली चमेली कड़स सड़क ताकवी कविता शापरी तो सही शब्द क्या बनेगा सार्थक वेरी गुड परीक्षा क्या बनेगा मंदिर पाठशाला ओके अब दिए गए शब्दों में से सार्थक और निर्थक शब्दों को चुनकर उचित स्थान पर रखिए ये आपको कुछ शब्द दिए गए हैं इनमें से सार्थक इधर लिखने हैं आपको निर्थक इधर लिखने हैं डागो निर्थक है जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलता ना वो आप निर्थक शब्द है ये अपने आप ये एक्सरसाइज करोगे कमल गुलाब गर्मी तकिया बस्ता है ना पतंग ये सब सार्थक हैं डागो है ना नीपा कीड़ल लाबता तबार शाबा ये सब क्या है निर्थक शब्द ये आपने बुक में करने हैं आप चित्रों के नीचे लिखे सार्थक शब्दों पर टिक तरह निर्थक शब्दों पर क्रॉस का निशान लगाइए अब ये क्या है क्या है बताइए बंदर इसको लिखा कैसे हुआ है निर्थक में पर ये पिक्चर तो सही है ना है ना लिखा गलत हुआ तो क्या करेंगे क्रॉस ये जहाज है तो जहाज ही लिखा हुआ है तो टिक अब घोड़ा को ढागो लिखा हुआ है ये निर्थक हो गया है ना निर्थक पे हमने क्या लगाना है क्रॉस का निशान माला लिखा भी सही हुआ है पिक्चर भी सही है टिक साइकिल, कछुआ को उल्टा लिखा हुआ है तो यहाँ क्या आएगा क्रॉस ये आपने जो एक्सरसाइज है बुक में करनी है क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करनी है थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे